Good morning, students. Today we are going to read our next book, Social and Political Life, Chapter Number 1, The Indian Constitution, Bhartiya Samvidhan. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of. इस चैप्टर के अंदर हम जो है फुटबॉल से आरंभ करना चाहते हैं या फुटबॉल से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं. एक गेम है जिसको बहुत सारे आदमी हैं जो उन्होंने इसको सुना होगा और इवन प्लेड और खेला भी होगा. एज द नेम सजेस्ट, जैसा ही नाम से ही सुझाव आता है, दिस इज ए गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर फिट. ये वो एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी के जो पैर होते हैं वे शामिल होते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के नियमों के अनुसार, इफ़ द बॉल टच इज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर, अगर कोई फुटबॉल जो है किसी विद्यार्थी के आर्म को टच कर देती है एक्सेप्ट गोलकीपर, सिवाय गोलकीपर के, देन इट इज़ कंसिडर्ड ए फाउल, तब इसको फाउल समझा जाता है. सो ई प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स, अगर खिलाड़ी फुटबॉल को अपने हाथों से पकड़ते हैं और पासिंग इट अराउंड या इधर उधर पास करते हैं, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर, वे लंबे समय तक फुटबॉल नहीं खेलते हैं, खेल सकते हैं. सिमिलरली अदर गेम, इसी तरह से जो दूसरे खेल हैं सच एज हॉकी और क्रिकेट, जैसा कि हॉकी या क्रिकेट है, आल्सो हैव रूल्स, उसके भी अपने नियम होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, जिसके अनुसार वे खेले जाते हैं. भाई खेल कोई भी है, चाहे हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसके अपने कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम, प्रत्येक जो नियम होता है वो खेल के बारे में बताता है भाई कैसा गेम है, किसके अपने कैसे कैसे रूल्स हैं. द एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, और ये जो रूल्स होते हैं वे हमारी मदद करते हैं एक खेल से दूसरे खेल के अंदर डिफरेंस करने की. एज देर आर फंडामेंटल टू दिस गेम, जैसा कि इन खेलों के अपने कुछ मौलिक नियम हैं, वी कैन आल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूट रूल ऑफ द गेम, हम उनको उनके कुछ नियम बताते हैं, उन खेलों को मनाने वाले कुछ नियम होते हैं. लाइक दीज गेम्स, इन खेलों की तरह से सोसाइटी आल्सो है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट वट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी, खेलों की तरह से एक जो सोसाइटी होती है उसके भी अपने कुछ नियम होते हैं जो उसको दूसरी जो सोसाइटी होती हैं उनसे अलग बनाती है. इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल लिव टुगेदर, एक बड़ी सी सोसाइटी के अंदर जिसमें भिन्न भिन्न समुदाय के लोग इकट्ठे रहते हैं, दीज रूल्स आर फॉर्मुलेट थ्रू सेंसस कंसेंसस, एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, और इस तरह से ये जो रूल्स होते हैं जिनकी अपनी सहमति होती है और आधुनिक देशों के अंदर सहमति से ही पराए ये जो रूल्स रेगुलेशन जो भी होता है इनका सोसाइटी का वो रिटन होता है. ए रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित दस्तावेज जिसमें हम पाते हैं नियम, उसको हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं. भाई ऐसी कोई नियम है, रिटन में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर नियम्स होते हैं, हम उनको संविधान बोलते हैं. वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 6 और 7, हमने क्लास 6 और 7 के अंदर भारतीय संविधान को देखा. इन और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की जो टेक्स्ट बुक है, हैव यू एवर वंडर व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और बीइंग क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, क्या आपने कभी सोचा कि हमें संविधान की ज़रूरत है, क्यों पड़ती है, और कभी हम उत्सुक हुए कि संविधान को किस तरह से लिखा गया और हु रोट इट और इसने इसको लिखा है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशू, इन दोनों मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे. एंड आल्सो लुक एट द की फीचर, और मुख्य जो लक्षण हैं उनको भी देखते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान के हैं, ईच ऑफ दिस फीचर इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, प्रत्येक जो विशेषताएँ हैं संविधान की, जो किस तरह से हमारा प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है वो चलती है भारत के अंदर, उसकी ये जो
फीचर हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं एंड सम ऑफ दिस विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक, और इनमें से कुछ चीज़ों को फोकस किया गया है इस बुक के अंदर। इन 1934 के अंदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1934 के अंदर जो भारतीय संविधान था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द सर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑन इंडियन गेन मोनोटम एंड दिस वॉज कन्वेंड इन दिसंबर 1946। और पहली बार अपनी अधिकृत नीति में इसको शामिल किया गया, केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र सभा की यह मांग जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये जो है तेज हो गई थी। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। द फोटो ऑन पेज 2 शोज सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो फोटो है, चित्र है, उसमें संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दिखाया गया है। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया फ्री टू से देयर डेस्टिनी एट लास्ट। After 140 years of British rule, the member of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo along side shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. December 1946 से नवंबर 1949 के बीच भारतीय संविधान ने जो स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, 150 साल की अंग्रेजी शासन के बाद भारतीयों को अपनी नियति और भविष्य तय करने का अवसर मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को बड़ी गंभीरता से लिया, और संविधान सभा के जो कार्य थे उनके बारे में आप इस में पढ़ेंगे। और कुछ जो फोटोज हैं साइड में जो दिए गए हैं, इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं संविधान सभा के सदस्यों को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, भाई एक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों को संविधान की जरूरत है। वाइल अदर डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि दूसरे जो प्रजातांत्रिक देश हैं आमतौर पर उनके बारे में भी उम्मीद की जा सकती है कि उनका भी अपना संविधान हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है दैट ऑल कंट्री दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये जरूरी नहीं है कि भाई सभी देश जिनका संविधान है कि वे सारे प्रजातांत्रिक देश हों। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज, जो संविधान होता है ये बहुत सारे पर्पज जो होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं, उनका निर्वहन करता है। फर्स्ट इट ले आउट सर्टेन आइडियल, ये कुछ निश्चित आदर्शों के बारे में बताता। दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, जो देश के आधारभूत रूप होता है यह उनके बारे में हमें बताता है। दैट एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, जिसके अंदर ये जो नागरिक उसके अंदर रहते हैं। और पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेलर्स, और दूसरी तरीके से एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है एज व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारे समाज हमारी सोसाइटी की जो फंडामेंटल नेचर, जो मौलिक प्रकृति क्या है। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, एक जो देश होता है आमतौर पर भिन्न भिन्न समुदाय से बना हुआ होता है। हु शेयर सर्टेन बिलीफ,
जो अपने निश्चित जो विश्वास विचार होते हैं, वे बिलीफ जो उनके विश्वास होते हैं, जो उनकी सोच होती है, वे आपस में शेयर करते हैं, बट मे नॉट नेसेसरी एग्री, लेकिन वे जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वे उनसे सहमत हों ऑन ऑल इशू, सभी मुद्दों पर। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स एज ए सेट ऑफ रूल, ए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक रूल्स का एक सेट होता है एंड प्रिंसिपल और सिद्धांतों का, दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री, कि देश के जो सभी लोग होते हैं, कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। द बेसिस ऑफ द वे, और जो आधार है उन तरीकों का, इन विच जिसके अंदर दे वांट द कंट्री, वे चाहते हैं देश टू बी गवर्न, कि किस तरह से देश के ऊपर शासन चलाया जाए, ये सारी बातें जो संविधान के अंदर लिखित में होती हैं और हमें उससे पता चलता है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये शामिल नहीं होता है कि सरकार की टाइप ही केवल शामिल नहीं होते हैं, बट आल्सो एन एग्रीमेंट, केवल एक एग्रीमेंट होता है ऑन सर्टेन आइडियल्स, किसके ऊपर, एक सर्टेन मन निश्चित आदर्शों पर साझा समझ विकसित होती है, दैट दे बिलीव, जिसका वे विश्वास करते हैं, द कंट्री शुड अपहोल्ड, कि किस तरह से देश की रक्षा की जानी चाहिए। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी, देर वॉज ए पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 10 ईयर्स अंटिल 2002 इन अक्टूबर 2002। किंग ज्ञानेंद्रा citing the mass uprising in the countryside as his reason began talking over different aspects of the government with the army assistance, the king then finally took over as the head of government in February 2005. In November 2005 the mass joined other political party to sign a 12-point agreement. This agreement signalizes to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people movement in democracy began gaining in force. It separated, refused the small concession that the king made the finally in April 2006. The king restored the third parliament and asked the political party to form a government. In 2007, Nepal adopted an interim constitution. The above photo show censures from the People's Movement for Democracy in 2006. तो बेटे अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको मार्जिनलाइज जो साइड है इसके एक साइड में जो समाल वर्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष हो रहे थे, पीपल्स के स्ट्रगल थे, 1990 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र जो व्यवस्था थी वो 2002 तक, मतलब 12 ईयर्स तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में जो राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी जो संगठन थे उनके बढ़ते हुए जो इन्फ्लुएंस था उसका बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न जो काम थे उनको अपने कब्जे में लेना आरंभ कर दिया। फरवरी 2005 राजा ने शासन की जो बागडोर थी उसको अपनी तरह से अपने हाथों में ले लिया और नवंबर 2005 में माओवादियों के अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक जो 12 सूत्रीय जो समझौते थे उन पर दस्तक किए गए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल करने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रही इस आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। यह आंदोलन जो आंदोलन करने वाले थे उन्होंने राजा की ओर से छोटी छोटी जो रियासतें थी
उनको नामंजूर कर दिया था और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को जो तृतीय जो संसद थी उसको बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर देना पड़ा। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक उसके अनुसार शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जो जनतांत्रिक जो आंदोलन था इसके कुछ जो दृश्य हैं आप ऊपर की जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आओ प्रयत्न करते हैं और समझते हैं व्हाट वी मीन बाय दिस। दो टू कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल ए कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थ। इस बातों का क्या मतलब है ये समझते हैं। हम दो बिल्कुल अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटनाएं हैं। अंटिल क्वाइट रिसेंटली, हाल ही में नेपाल वाजे मोनार्की, नेपाल के अंदर राजतंत्र था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो पुराना जो नेपाल का जो संविधान था विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, जिसको 1990 में स्वीकार किया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट, वो ये बताता था दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, कि पूरे के जो आखिर जो अधिकार हैं वे किसके पास हैं, राजा के पास हैं। ए पीपल मूवमेंट इन नेपाल फोर्ट फॉर सेवरल डिकेड, एक लोगों का जो आंदोलन था नेपाल के अंदर कई दशकों तक लड़ाई करता रहा टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, किसके लिए, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। एंड इन 2006 और 2006 में दे फाइनली सक्सेडेड, आखिरकार वे सफल हो गए इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग, राजा की जो शक्ति थी उसका अंत करने के लिए। नाउ द पीपल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब लोगों को एक नया संविधान लिखना है टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी, और उसमें नेपाल को एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में स्थापित करना है। द रीजन, कारण ये है दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, कि वे जो पिछला जो संविधान है उसको जारी रखना नहीं चाहते, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये जो देश के आदर्श हैं उनको प्रतिबिंबित नहीं करता है। दैट दे वांट नेपाल टू बी, जो वे चाहते हैं कि नेपाल ऐसा होना चाहिए, उन आदर्शों को ये प्रतिबिंबित नहीं करता है जैसा कि उनकी अपनी सोच थी। एंड दैट दे हैव फोट फॉर, और जिस आदर्शों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो वे जो संविधान था पुराना वो उन आदर्शों को पूरा करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता था। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसा कि फुटबॉल के गेम के अंदर, इन विच ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन रूल विल चेंज द गेम टुगेदर, जैसा कि जो परिवर्तन होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी रूल, जो नियमों के अंदर जो परिवर्तन होता है उससे के एक साथ पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की, नेपाल जो क्या होता है, नेपाल का जो परिवर्तन होता है फ्रॉम ए मोनार्की, एक राजतंत्र से, टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक प्रजातांत्रिक सरकार के अंदर। नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूट रूल, इसको जरूरत पड़ती है सभी संवैधानिक नियमों की, इन ऑर्डर टू अजर इन ए न्यू सोसाइटी, एक नए समाज के अंदर एक उपशिक्षक के रूप में जरूरत पड़ती है इस परिवर्तन को। दैट इज वाई, इसलिए द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो लोग हैं नेपाल के वे इस प्रक्रिया में हैं कि उनको एक नया संविधान लिखना चाहिए फॉर द कंट्री, देश के लिए। द कैप्टन अलॉन्ग विद एलिब्रेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, और जो लोकतंत्र के लिए नेपाल के जो संघर्ष हैं उनके बारे में बताया गया है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ये कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, संविधान का जो दूसरा उद्देश्य है वो है कि वे देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, उदाहरण के तौर पर नेपाल का जो पुराना संविधान है उसके अंदर ये कहा गया है दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग,
कि देश के शासन की बागडोर राजा के हाथ में हो एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मंत्रिपरिषद के और राजा के हाथ में हो, ऐसा संविधान के अंदर लिखा गया था। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, जिन देशों में लोकतंत्र शासन की जो व्यवस्था है या राज्य व्यवस्था और चुनी गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल, संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, क्या करने के लिए, नियम तय करने के लिए, दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी, नियम तय करने के लिए, जिसमें संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये निर्णय प्रक्रिया के तहत आता है। इन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, वी चूज आवर लीडर सो दैट, हम जो है ना अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वे जो है अपनी सत्ता की जो जिम्मेवारी है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। हाउएवर यद्यपि देयर इज लॉ, देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, यद्यपि वहाँ पे हमेशा संभावना बनी रहती है दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, कि ये जो नेता हैं सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, और जो संविधान है वो क्या प्रदान करता है, आमतौर पर उनको सुरक्षा देता है इस प्रकार के मिसयूज को रोकने के लिए। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्टेड इन ग्रोस इनजस्टिस, ये इस तरह की दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और ये जो सत्ता का मिसयूज है कैन रिजल्ट, इसका परिणाम निकलता है इन ग्रोस अनजस्टिस, इसमें भारी अन्याय होता है, डेमोस्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो, भाई बड़ा भारी अन्याय होता है जिसके नीचे दिए गई जो चित्रकथा है उसके अंदर आप देख सकते हैं। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज बुली, सुरेश ये क्लास का मॉनिटर है और वह एक बड़ा ही दबंग किस्म का लड़का है, हिज क्लासमेट आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम, और उसके कक्षा के सहपाठी उसे पसंद नहीं करते हैं। मिस्टर मिसिज रॉय द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम, मिसिज जो रॉय है वो क्लास टीचर है उनकी, अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है, सम अर्जेंट वर्क किसी कारण से, सी आस सुरेश टू माइंड द क्लास, वह सुरेश को बच्चों का क्लास का जो ख्याल करने के लिए कहती है। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, और सुरेश जो है मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करता है। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज राय, अनिल आज मैं तुम्हारी जो है ना मिसिज राय को रिपोर्ट दूंगा, बट व्हाट हैव आई डन, तो अनिल कहता है भाई मैंने किया क्या है। व्हेन मिसिज राय एंटर्स इन द क्लास, जब मिसिज राय क्लास के अंदर एंटर करती है, मैम व्हाइल यू वर अवे, जब आप क्लास में नहीं थी, अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली, अनिल जो जोर जोर से बातें कर रहा था एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, ही वुड नॉट लिसन टू मी, उसने मेरी बात नहीं सुनी। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, अनिल आपको स्कूल के बाद रुकना पड़ेगा, एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मोनिटर 100 times, और आपने 100 बार ये लिखना पड़ेगा कि मैं जो है ना क्लास मोनिटर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनी चेंज, लेकिन मैम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस तरह से हम इसके अंदर देख सकते हैं कि मॉनिटर को अगर टीचर ने
पावर दी है क्लास को कंट्रोल करने की, क्लास को हैंडल करने की, तो वो जो मॉनिटर है वो किस तरह से गलत रिपोर्ट दे करके बच्चों को परेशान करता है। तो ऐसा ही है प्रजातंत्र के अंदर भी होता है। कुछ राजनेता जो होते हैं वे नियमों का मिसयूज करते हैं। तो हम आगे देखते हैं, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज के अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन ओपन ले डाउन रूल्स, जो संविधान है वो क्या करता है, नियम तय करता है, दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर, जो राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोक सकता है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में, अबाउट विच यू विल रीड, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे मोर लेटर इन द चैप्टर, जिसके बारे में आप जो है बाद में पढ़ेंगे, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मैनी ऑफ दीज लॉज, बहुत सारे जो कानून हैं आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर, क्या आपको याद है वो चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर लिखा गया। एक्सपीरियंसेस इन स्कूल फ्रॉम क्लास सेवंथ बुक, जो कक्षा सात की पुस्तक में दिया गया। इन दैट चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, भी किस तरह से भेदभाव किया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, वाल्मीकि ने किस तरह से इस भेदभाव का सामना किया, बिकॉज ही वॉज ए दलित, क्योंकि वह एक दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन, इस चैप्टर यू विल रीड, यू रीड अबाउट, आप पढ़ते हैं हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे भारतीय संविधान गारंटी लेता है समान अधिकारों की सभी व्यक्तियों के, भाई सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। एंड सेज और कहता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, भी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, भाई कोई भी नागरिक है उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो समानता का अधिकार है भारतीय संविधान में दिया गया है और ये एक मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, भेद, स्थान के आधार पर। Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. लोकतंत्र में संविधान का एक जो बहुत ही important जो function होता है, महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, वो ये होता है कि कोई भी ताकतवर जो समूह होता है किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोक्रेट्स वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम, जो स्टोरी बोर्ड है नीचे दिया गया है ये बताता है सिचुएशन, क्लासरूम की जो सिचुएशन क्या थी। द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टूडे फॉर ए चेंज, हाउ आज जो ना थोड़ा सा परिवर्तन के तौर पर बास्केटबॉल खेलते हैं। नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे
आर इन ए मेजोरिटी। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ये एक लड़की ने सोचा। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वेज टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर आल्सो हर्ड। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए, उन पर विचार किया जाए। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद ए शो ऑफ हैंड। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। ऑब्वियसली देर आर मोर बॉयज इन द क्लास। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। ही वी हैव वन। तो बच्चे जो हैं हा हा करके जीत गए हम, ये इस तरह से दिखाते हैं। और लड़कियां अपने आप को ये मानती हैं कि भाई हम कम हैं, तो हमें इस प्रकार से हमेशा से ही इच्छाओं को हमारी दबाया जाता है। सच एन हेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सिचुएशन सोसाइटीज टू वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। इस तरह की जो अनहेल्दी जो सिचुएशन होती है, अस्वस्थ जो परिस्थिति होती है, लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा होती है, जहाँ बहुमत जिस गुट का होता है लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों को सहमति नहीं होती है और उसमें उनका नुकसान होता है। एज द अबो स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट, जैसा कि ऊपर का जो स्टोरी बोर्ड है वो व्याख्या करता है। एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी थिंग्स दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। संविधान में दिए गए नियमों से संविधान जो होता है उसमें जो नियम दिए गए हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको किसी चीज़ से वंचित न रखा जाए और बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं तो उसमें माइनॉरिटी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अनदर रीजन व्हाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डेमोक्रेटिक बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगना भी जरूरी है, उसको इन सब चीज़ों से रोकना चाहिए। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। ये होता है कि इसमें एक जो कम्युनिटी होती है डोमिनेटिंग अनदर, वो दूसरे के बारे में डोमिनेट करती है, दूसरे पर प्रभाव डालती है, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। भाई यह दबदबा एक सामुदायिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंटर डोमिनेटिंग। और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। और जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, तो ये दबदबा जो है एक दूसरे के ऊपर वे बनाते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि हमें संविधान की क्यों जरूरत होनी चाहिए, इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ये है कि हमें अपने खुद को अपने आप से बचा सकें। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मेंट बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इश्यू
that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against this. यहाँ इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और यह बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब यह होता है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने के लिए मदद करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो द अंडरस्टैंड दिस बेटर, और नीचे का जो स्टोरी बोर्ड है वो हमें अच्छी तरह से इसको समझने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, अपने ध्यान से इसको आपने करना है, और आपका जो आज तक का जितना भी रिटर्न वर्क हुआ है उसको आप इसकी पिक जो है इस नंबर पर, मेरे अपने पर्सनल नंबर पर सेंड करके आप उसको चेक करा सकते हैं, और अपने काम को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि जब काम ज़्यादा हो जाता है तो समस्या बढ़ती है, इसलिए काम को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।